संन्यास वही लेता है भाई जो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से और पूरे संसार से जब तंग आ जाता है ना भाई, तो वही इंसान जो है संन्यास लेने की सोचता है। यार कभी कभी ना इतना दिल उदास हो जाता है ना कि मन करता है संन्यास लेने का, एकदम मन कर देता है यार। आज मैं जो है पापा से नाराज़ होके जो है आ गया हूँ शंकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे, तुंगारेश्वर महादेव के मंदिर पे आ गया हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो फिर डायरेक्ट मैं मंदिर पे आ गया। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, तुंगारेश्वर महादेव का मंदिर है। संन्यास लेंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ? संन्यास लेने में बाबा भगत कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट होता तो संन्यास एक बार ले भी सकते थे। अच्छा, संन्यास लेने के लिए ना गाइस बहुत जिगरा होना चाहिए, और जिगरा जो है कहाँ से आएगा? जिगरा जो है बहुत मुश्किल से आता है, संन्यास लेने वाला जिगरा। और मैं मंदिर में आया हूँ भाई, यहाँ पर एक दो जन है, दो जन है खाली मेरे सिवा भगवान है, और आया हूँ एकदम परेशानी से चूस के हार के आया हूँ मंदिर में। जो है मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हो, मंदिर के पीछे का जो है ऐसा कुछ बना हुआ है। यहाँ पर पानी का टंकी है, नीम का पेड़ है, और यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ है। जो है यहाँ पर जो पानी और जो भी चीज़ें जो है मंदिर में से निकलती हैं वो यहाँ पर जो है पेड़ वेड़ को जो है पानी मिल जाता है यहाँ से। और यहाँ पर आकर आने के बाद भाई बहुत सुकून से बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मन को जो है थोड़ा शांति मिल रही है। अब यार गलती तो मैं भी करता हूँ जो है, काम करते करते जो है कट लगा देता हूँ, तो मैं मशीन मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ। अब वो चीज़ पापा को जो है बहुत बुरा लगता है, बोलते कि तू मोबाइल ही चलाते रहेगा तो काम क्या करेगा। संन्यास वही लेता है भाई जो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से और पूरे संसार से जब तंग आ जाता है ना भाई, तो वही इंसान जो है संन्यास लेने की सोचता है। हालांकि जो है उसमें हमारी भी गलती होती है कि हम जो है माता पिता का बात नहीं मान करते, अपने मन का जो है करते हैं। अब गलती उनका नहीं था, गलती मेरा ही था। गलती मेरा ये था कि भाई जो है मोबाइल मत चला काम करते समय, इतना ही बोले और हमेशा बोलते हैं, तो लग गया भाई दिल पे। फिर मैं भी चला, मैं बोला जा रहा हूँ घर पे, आया हूँ मंदिर पे बैठा हूँ भाई, बहुत क्या करूँ इधर ही आके अपना जो है बैठा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, क्या करूँ, घर पे भी जाने का मन नहीं कर रहा है। अब जाए तो काम हो, लेके घर पे जाएंगे तो पूछेंगे इतना जल्दी क्यों आ गया, क्या बोलेंगे, पापा से नाराज़ होकर आए हैं, पापा हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि हम परेशान होकर आ गए हैं। नहीं, अब शाम तक यहीं रहेंगे मंदिर पर जो है, टाइम पास करेंगे इधर ही। वैसे आज का हमारा दिन तो ख़राब चल ही रहा है, सुबह से ही उठा हूँ, सुबह से ही सुन रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या होगा हमारे लाइफ में। यहाँ पर टॉयलेट भी है और यहाँ पर थोड़ा नारियल का पेड़ है, फूल का पेड़ है। आप लोग बताना कमेंट में, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद गुलमोहर का पेड़ है। और यहाँ पर नल लगा हुआ है गाइस, आप यहाँ पर हाथ पैर जो है धो सकते हो। और ये तुंगारेश्वर का जो है मंदिर नज़दीक से कुछ इस तरह दिखता है गाइस, और इसके साइड में एक छोटा सा रूम है, और वहाँ पर शनिदेव का जो है और सीढ़ियाँ हैं। मंदिर से आप नीचे उतरेंगे तो ये सीढ़ियाँ हैं, और वो अपना साथी वाली रोड है गाइस, और यहाँ पर साथी वाली रोड है। और ये जो सामने देख रहे हो छोटा सा गेट है, वो जो है गांव देवी तालाब है,
जहाँ पे गणपति विसर्जन वगैरह जो है किया जाता है। और ये साइड में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो नया बिल्डिंग अभी बना है और पूरा मतलब यहाँ से जो है पूरा आधा, और यहाँ से अनमोल इंडस्ट्रियल स्टेट भी दिखता है अभी जो भी जो कि नया बना हुआ है, और पीछे पूरा पहाड़ वहाड़ है। वह अभी मंदिर बंद होने वाला है, वहाँ पर एक आंटी बैठी थी तो बोली कि मंदिर अभी जो है शाम को खुलेगा, दोपहर के 11:30 बजने वाले, तो फिलहाल अभी चलते हैं भाई, आज तो दर दर भटकना ही है, भटक लेते हैं थोड़ा। क्या 20 रुपये भाई? 20 रुपया एक प्लेट दे दो। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूनम की उजियारी जान मेरे, फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूनम की उजियारी जान मेरे प्राण मेरे, आगाज कर उनवान दे अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहच। मंदिर बंद हो गया तो यहाँ पर आया हूँ अपना गांव देवी तालाब पर आकर बैठा हूँ छाँव पाकर। जो है अभी दोस्तों मन थोड़ा अभी सही हो गया है, अब मन कर रहा है कि जाऊँ कंपनी वापस, समझ में आ रहा है कि भी मुझे वर्कशॉप पे जाना चाहिए, आधा एक घंटा हो गया और जो है मूड उनका सही हो गया होगा, किसी के सामने मत झुक, अपने माता पिता के सामने झुक जाना चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप पे, जाऊँगा तो थोड़ा पापा को भी लगेगा कि जो है आ गया है समय पर, तो वो भी इनके भी दिल में भी थोड़ा खुशी होगी, और जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये थोड़ी छोटी सी परेशानी जो है मेरी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जीत जारी है, अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात, इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला, मुझे किस किस ने क्या क्या कहा।